Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the remaining portion of carcinogenesis. Actually हमने अपनी last class में carcinogenesis topic start कर लिया था. cancer mechanism हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहले carcinogens पढ़ा था कि कार्सिनोजेंस वो फैक्टर होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. अब कैंसर कॉज कैसे होता है उसका मैकेनिज्म हम अभी पढ़ लेते हैं. तो कार्सिनोजेनेसिस एक मल्टी स्टेप का प्रोसेस होता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर के करैक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पढ़े थे कि एक तो इसमें एक्सेसिव ग्रोथ रेट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं ये, इन्वेजिवनेस, आसपास फैलते हैं, होस्ट इम्यून सिस्टम से एस्केप हो जाते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है. ये स्टेप वाइज सीरीज एक्वायर करते हैं जेनेटिक इवेंट्स की, यानी इसमें जेनेटिक इवेंट्स स्टेप वाइज चलते हैं जिसको अपन ट्यूमर प्रोग्रेशन कहते हैं. ऐसा प्रोसेस के अंदर चल रहा होता है. तो ये सब इसके फीचर्स हैं. अब देखिए, एक्चुअली 4 रेगुलेटरी जीन्स की क्लासेस हमारे अंदर पाई जाती हैं जो हमारे अंदर कैंसर को कंट्रोल करती है, रोकती है. क्योंकि भाई देखिए, अब फैक्टर्स हमने पढ़े कि फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको बताए कि फैक्टर्स होते जो कैंसर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे आपने सुना है, आप जानते हैं कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करती है, पर 60% जनता जो है वो स्मोकिंग कर रही है, पर फिर भी कैंसर तो 60% जनता को नहीं हो रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खाली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जीन में म्यूटेशन मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन का ऑल्टरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है. जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि म्यूटेशन सबसे बड़ा फैक्टर जो कैंसर कॉज करवाता है, जो जीन्स के अंदर हो रहा होता है. ये अगर म्यूटेशन होगा तो ही कैंसर कॉज होगा, अदरवाइज नहीं कॉज होगा, चाहे फैक्टर्स कितना भी ज़्यादा मौजूद क्यों ना हो. तो कौन से जीन्स के अंदर? तो 4 क्लासेस है रेगुलेटरी जीन्स की. पहला प्रमोटर जीन, दूसरा इनहिबिटर जीन, तीसरा एपोप्टोसिस रेगुलेटर जीन और चौथा डीएनए रिपेयर जीन. प्रमोटर जीन में आता है प्रोटो ऑन्कोजीन, इनहिबिटर में आता है कैंसर सप्रेसर या एंटी ट्यूमर जीन जैसे P53, और तीसरा है जीन्स रेगुलेटिंग एपोप्टोसिस, और मतलब ऐसे जीन जो कि एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब नेचुरल सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ को रेगुलेट करने वाले जीन्स आते हैं, और डीएनए रिपेयर जीन्स आते हैं. इनमें से प्रोटो ऑन्कोजीन एकमात्र इनएक्टिव जीन है, उसके अलावा सारे सारे एक्टिव जीन्स होते हैं. भाई ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव होता है तभी तो हमारे अंदर वो ट्यूमर को सप्रेस करता है, चाहे कितना भी ग्रोथ फैक्टर वहाँ मौजूद क्यों ना हो. एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने वाला जीन सेल डेथ करवा देता है, जिससे कि सेल ग्रोथ इकट्ठी नहीं होती हमारे बॉडी में. और इन जीन्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई टूट फूट हो जाए उनके अंदर, तो उसको रिपेयर करने वाला जीन्स भी वहाँ पे पाया जा रहा होता है. तो जनरली ये जो 4 जीन्स हैं वो हमारे अंदर डीएनए को, जो कैंसर सेल के रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको रेगुलेट करता है, या डीएनए वाली चीज़ें रेगुलेट होती रहती है जिससे कैंसर सेल रेगुलेटेड रहती है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती हैं अगर ये 4 जीन सही सही वर्क कर रहे हैं. पर अगर इनमें ऑल्टरेशन आ जाए तो वो कैंसर कॉज कर देगा. ऑल्टरेशन में क्या होता है कि मैंने कहा इनएक्टिव जीन है प्रोटो ऑन्कोजीन, अगर वो प्रोटो ऑन्कोजीन प्रमोट हो जाए ऑन्कोजीन के अंदर, तो एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग जीन, तो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में एक्टिवेट हो जाए तो कैंसर कॉज हो जाएगा. या फिर ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए, पहले वाले में एक्टिवेशन हो जाए, दूसरे वाले में इनएक्टिवेशन उस जीन्स के अंदर जो नॉर्मली प्रोलिफरेशन को सप्रेस कर देता है, सेल प्रोलिफरेशन को रोकता है, यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनएक्टिवेट अगर कर दिया जाए, इनएक्टिवेशन हो जाए अगर उसका, तो कैंसर कॉज हो जाता है. या एपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन्स जो है वो बेचारा सप्रेस्ड हो जाए, जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवाता है जीन्स, यानी एपोप्टोसिस करवाता है, अगर वो सप्रेस्ड हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, तब भी कैंसर कॉज हो जाता है. मॉलिक्यूलर बेसिस हमने कहा मल्टी स्टेप का होता है कार्सिनोजेनेसिस. तो मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस में इनिशिएशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन होगा. भाई पहले कैंसर शुरू होगा, फिर वो आगे प्रमोट होगा और फिर लगातार आगे बढ़ेगा. इनिशिएशन में केमिकल कार्सिनोजेंस डीएनए के साथ में रिएक्ट करते हैं और उस
में म्यूटेशन कॉज करवा देते हैं। इसमें कार्सिनोजन मेटाबॉलिज्म, डीएनए रिपेयर और सेल प्रोलिफरेशन आता है। इनिशिएशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अगर आप यहाँ पे चाहो तो कैंसर को रोक सकते हो, इस जगह पर वापस ठीक हो जाएगी। पर इनिशिएटेड सेल जो है वो, क्योंकि वो कैंसर सेल थोड़ी, अभी तो उसमें शुरू हुई हुई चीज़, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होएगी, अभी तो ये इनिशिएट हुई है, तो इसलिए हम ये रिवर्सिबल भी होती है। सेकंड प्रमोशन, इसमें ट्यूमर प्रमोटर्स आते हैं जो कार्सिनोजेनेसिस करवाते हैं नॉन जीनोटॉक्सिक मैकेनिज्म के द्वारा। इसमें प्रोलिफरेशन इन्फ्लुएंस होता है इनिशिएटेड सेल से, और वो बिनाइन लेजन बनाएगा जो कि आगे रिग्रेस हो सकता है या एक्वायर करके और उसमें एडिशनल म्यूटेशन हो सकता है, और बाद में हो सकता है वो बिनाइन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाए। यानी लगातार प्रमोशन हो रहा है, आगे आगे लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो ये आपको स्टेप्स दिखाए गए, इनिशिएशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देख लेते हैं, आप इसको थोड़ा सा घुमा करके देख लेगा। तो ये नॉर्मल सेल दिखाई गई है, नेचुरल सेल्स है, फिर इसके अंदर देखिए ग्रोथ होती जा रही है, जो साइड में टर्म्स लिखी हुई है ना, ये आप पढ़ते जाइएगा। पैपिलोमा वगैरह का प्रोग्रेशन हो रहा है, सिंगल कार्सिनोमा दिखाई दे रहा है आपको, फिर क्लोनल एक्सपेंशन हो रहा है, फिर कैंसर कॉज हो रहा है, क्लोन बनता जा रहा है सेल्स का। ये तो नॉर्मल सेल्स हैं, बीच में ये जो लाल लाल रंग के न्यूक्लियस दिखाई दे रही हैं, ये आपको ट्यूमर सेल दिखाई दे रही है, और फिर ये ट्यूमर सेल का क्लोन बन गया, और फिर फाइनली ये गहरे रंग की दिख रही है जो कि कैंसर को इंडिकेट कर रही है, गहरे लाल रंग की दिख रही है ना इसके न्यूक्लियस। अब थर्ड स्टेप है ट्यूमर प्रोग्रेशन, इसमें ट्यूमर एक्वायर कर लेता है इनवेड करने की एबिलिटी को, यानी आसपास फैलने की, और हो सकता है और डिस्टेंट प्लेसेस पर फैल जाए, यानी मेटास्टासिस भी करे, तो इन्वेजन और मेटास्टासिस की एबिलिटी को एक्वायर कर लेता है, जिसमें क्रोमोसोम इनस्टेबिलिटी आती है, म्यूटेशन होता है ऑन्को जीन्स के अंदर और ट्यूमर सप्रेशन जीन्स के अंदर। म्यूटेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है सिलेक्शन ऑफ सेल सूटेड फॉर नियोप्लास्टिक ग्रोथ, जिसमें क्रोमोसोम इनस्टेबिलिटी आ जाती है और म्यूटेशन हो जाता है, और फिर फाइनली वो कैंसर कॉज करता है। अब ये मैकेनिज्म पूरा बताया गया, इसको अच्छे से रट्टा मारो, ये चार्ट रट्टा मारना, एग्जाम में लिखना है। ये चार्ट क्या कह रहा है, देखिए नॉर्मल सेल है उसमें एक्वायर्ड या एनवायरमेंटल डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स अगर आ जाएं, जैसे केमिकल्स, रेडिएशन, वायरसेस वगैरह, तो नॉर्मल सेल के डीएनए को डैमेज कर देते हैं। जनरली तो वहाँ पर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पाया जाता है, तो सक्सेसफुली वो वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर डीएनए रिपेयर फेल हो जाए, कब हो जाता है, इनहेरिटेड म्यूटेशन की वजह से, जैसे जीन्स अफेक्टिंग डीएनए रिपेयर उसमें अगर म्यूटेशन आ जाए, या जीन्स अफेक्टिंग सेल ग्रोथ और एपोप्टोसिस में म्यूटेशन आ जाए, तो फिर जीनोमिक सोमैटिक सेल में म्यूटेशन आ जाएगा। ये म्यूटेशन तीन चेंजेस करवाएगा, पहला तो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में एक्टिवेट कर देगा। ऑन्कोजीन्स कौन से जीन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स होते हैं। दूसरा ये उन जीन्स में ऑल्टरेशन ले आएगा जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं, और तीसरा ये कैंसर सप्रेसर जीन को इनएक्टिवेट कर देगा। इन तीनों का ये असर पड़ेगा कि ऑल्टर्ड जीन प्रोडक्ट्स एक्सप्रेस होंगे और रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगे, यानी रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, तो सेल ग्रोथ होती जाएगी, क्लोनल एक्सपेंशन होगा और ज़्यादा म्यूटेशन होगा, जिससे प्रोग्रेशन पाया जाएगा और हिट्रोजेनिटी दिखाई देगी, यानी अलग अलग तरह की कैंसर सेल, छोटी बड़ी पतली मोटी ऐसी कैंसर सेल्स बन जाएंगे, और यही क्या करवाता है, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म कॉज करवा देता है, यानी कैंसर कॉज करवाता है। तो ये कैंसर की मैकेनिज्म है, ये डायग्राम, ये चार्ट आपको जरूर बनाना है, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये नॉर्मल कोलन सेल्स दिखाई गई है, जिसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस लेयर दिखाई दे रही है आपको। इसमें जर्म लाइन में इनहेरिटेड अगर म्यूटेशन हुआ तो जर्म लाइन में, या एक्वायर्ड हुआ तो सोमैटिक म्यूटेशन हो जाता है कैंसर सप्रेसर जीन्स का, फर्स्ट हिट इसको कहते हैं, एपीसी है 5q21, उसके अंदर दिखाई देता है ये म्यूटेशन। तो इसमें म्यूकोसा में रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। अब मिथाइलेशन की एबनॉर्मेलिटी आ गई, नॉर्मल एलेल्स इनएक्टिवेट हो गया, ये सेकेंड हिट है, एपीसी बीटा कैटेनिन के अंदर चेंजेस आया। अब आपको तीसरे में कैंसर दिखाई दे रहा है,
ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, एडिनोमा बन गया, अब ये प्रोटोन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, जैसे के आर ए एस के अंदर 12p12, ये सब जीन्स बताए गए हैं। अब ये आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब वाइल्ड टाइप की ग्रोथ p53 की वजह से हो सकती है, ऑन्कोजीन इंड्यूस सेंस आपको दिखाई दे रहा है, या होमोजाइगस लॉस हो जाता है एडिशनल कैंसर सप्रेसर जीन्स का, और कॉक्स टू का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है तो कार्सिनोमा के रूप में यह आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एडिशनल म्यूटेशन होगा ग्रॉस क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन की वजह से, टीलोमेरेज वगैरह दूसरे जीन्स वगैरह में ऑल्टरेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब मॉलिकुलर बेसिस कैंसर यहाँ पर दिखाया गया, जैसे नॉर्मल सेल है उसमें फर्स्ट म्यूटेशन हुआ, चेंजेस आए, फिर सेकेंड म्यूटेशन हुआ, फिर थर्ड म्यूटेशन हुआ, फिर फोर्थ और लेटर म्यूटेशन की वजह से फाइनली इस तरह से मैलिग्नेंट सेल्स बन जाती हैं। कैंसर सेल अराइज हो रही हैं जेनेटिक चेंजेस के एक्यूमुलेशन की वजह से। ये मॉर्फोलॉजिक अपीयरेंस और मॉलिकुलर चेंजेस दिखाई दें। नॉर्मल एपिथीलियम से हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथीलियम बन जाती है तब जब एपीसी का म्यूटेशन या लॉस हो जाता है, जो कि क्रोमोसोम 5 के ऊपर पाया जाता है। दूसरा, अगर डीएनए मिथाइलेशन ख़त्म हो जाए तो हाइपर प्रोलिफरेटिव अर्ली एडिनोमा में कन्वर्ट हो रही है। फिर आरए जीन में म्यूटेशन हो जाए जो 12p पर पाया जाता है तो इंटरमीडिएट एडिनोमा दिखाई देता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का अगर लॉस हो जाए तो लेट एडिनोमा के रूप में दिखाई देता है। p53 जीन पूरा पूरा लॉस्ट हो जाए तो कैंसर दिखाई देगा, आपको कैंसर के रूप में चेंजेस दिखाई देंगे। तो ये मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनस है। नॉर्मल सेल, नॉर्मल कोलन सेल है जिसमें ग्रोथ बढ़ गई है क्रोमोसोम 5q जीन के लॉस या म्यूटेशन की वजह से सेल ग्रोथ बढ़ गई है। फिर एडिनोमा हो गया आरएस जीन म्यूटेशन से। फिर एडिनोमा सेकंड है क्रोमोसोम 18 के लॉस से या म्यूटेशन की वजह से। फिर एडिनोमा थर्ड है क्रोमोसोम 17 के लॉस या म्यूटेशन से, इसमें p53 ट्यूमर सप्रेसर या सप्रेसर जीन में भी म्यूटेशन हो चुका है जिससे कि कार्सिनोमा हो जाता है। और फाइनली अदर क्रोमोसोम लॉस की वजह से ये कार्सिनोमा मेटास्टासिस शो कर देता है, यानी दूर दूर फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है कैंसर की, यानी कार्सिनोजेनेसिस। यहाँ पर ये कार्सिनोजेनेसिस नाम का टॉपिक ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना।